सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने मुजवज़ा आइनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया। 18वीं आइनी तरमीम के लिए अवाम से राय ली गई। आइनी तरमीम में भी अवाम को राय देने का हक मिलना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमारे साथ मौजूद है। फैसल बताएगा, मुमकिना आइनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौकफ अपनाया गया, इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है इसे मंजर आम पर लेकर आया जाए, ये इस्तदा है। और साथ ये दरख्वास्त में मौकफ है कि 18वीं आइनी तरमीम में अवामी राय जो है वो ली गई थी, इसी तरह इस आइनी तरमीम में भी पब्लिक को राय देने का हक मिलना चाहिए। दरख्वास्त में यह भी मौकफ है कि एक दिन में आइनी तरमीम पास कराना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों की नफी है। कौमी असम्बली के अपने कवानीन में भी किसी मुजवजा कानून साजी को ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने का कहा जाता है। और साथ ये भी इतना है कि कम अज कम पब्लिक को इस आइनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। इसमें यह भी इतना की गया दरख्वास्त में कि वफाकी हुकूमत को वजारत कानून की वेबसाइट पर ड्राफ्ट पब्लिक करने की हदायत भी की जाए। जी, मुमकिना आइनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौकफ अपनाया गया, इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है इसे मंजर आम पर लेकर आया जाए, ये इस्तदा है। और साथ ये दरख्वास्त में मौकफ है कि 18वीं आइनी तरमीम में अवामी राय जो है वो ली गई थी, इसी तरह इस आइनी तरमीम में भी पब्लिक को राय देने का हक मिलना चाहिए। दरख्वास्त में यह भी मौकफ है कि एक दिन में आइनी तरमीम पास कराना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों की नफी है। कौमी असम्बली के अपने कवानीन में भी किसी मुजवजा कानून साजी को ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने का कहा जाता है। और साथ ये भी इतना है कि कम अज कम पब्लिक को इस आइनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। इसमें यह भी इतना की गया दरख्वास्त में कि वफाकी हुकूमत को वजारत कानून की वेबसाइट पर ड्राफ्ट पब्लिक करने की हदायत भी की जाए। जी, मुमकिना आइनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौकफ अपनाया गया, इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है इसे मंजर आम पर लेकर आया जाए, ये इस्तदा है। और साथ ये दरख्वास्त में मौकफ है कि 18वीं आइनी तरमीम में अवामी राय जो है वो ली गई थी, इसी तरह इस आइनी तरमीम में भी पब्लिक को राय देने का हक मिलना चाहिए। दरख्वास्त में यह भी मौकफ है कि एक दिन में आइनी तरमीम पास कराना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों की नफी है। कौमी असम्बली के अपने कवानीन में भी किसी मुजवजा कानून साजी को ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने का कहा जाता है। और साथ ये भी इतना है कि कम अज कम पब्लिक को इस आइनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। इसमें यह भी इतना की गया दरख्वास्त में कि वफाकी हुकूमत को वजारत कानून की वेबसाइट पर ड्राफ्ट पब्लिक करने की हदायत भी की जाए। जी, डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com